बोलती नहीं हूँ कि शेयर करिए, लेकिन मैं इस वाले वीडियोस को जरूर बोलूंगी कि आप सब शेयर करना, इसलिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कितना तकलीफ होता है कि इंसान को अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है सपोर्ट करने वाला, ना मायका से ना ससुराल से, और पति भी अगर इत्तेफाक से ऐसा निकल जाए तो उसका खामियाजा बच्चों तक को कितना भुगतना पड़ता है वो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ऐसे मतलब जो होता है ना अचानक मारना पीठ में कोई कमजोर व्यक्ति को, तो वो कैसा महसूस होगा, 13 एज है उसका और उसका हाँ उसको उसकी माँ को भी सुना दी है। बोला क्या तो गए थे ना लोग, बोला उसकी माँ को, बहनिया दे लग्न नहीं दे रहे थे। हाँ कौन बोला बड़की चुप रहो, बहनिया, हाँ बोला चुप रहो तुम, इसको पूछो इसको 10 दिन पहले ही समझाया कि नहीं समझाया। हाँ है ना, फिर तमाशा करेंगे, सिर्फ तमाशा है ना। और हम जैसे लोग कर भी क्या सकते हैं, शारीरिक अक्षम आप सबके नजरों में एक कमजोर व्यक्ति जिसको सब लोग दबाना कुचलना चाहता है, हमको दबा लिया कुचल लिया, हम अपने बच्चों के साथ ही थोड़ी ना होने देंगे। मेरा बच्चा हर वो चीज करेगा जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के बच्चे करते हैं, हम भी नॉर्मल है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ में वरदान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप से बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों ज्यादातर मैं वीडियोस को बोलती नहीं हूँ कि शेयर करिए, लेकिन मैं इस वाले वीडियोस को जरूर बोलूंगी कि आप सब शेयर करना, इसलिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कितना तकलीफ होता है कि इंसान को अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है सपोर्ट करने वाला, ना मायका से ना ससुराल से, और पति भी अगर इत्तेफाक से ऐसा निकल जाए तो उसका खामियाजा बच्चों तक को कितना भुगतना पड़ता है वो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सुनोगे तो आप सभी को भी बुरा लगेगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने दिनों से देखिए मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। आप सभी को भी पता होगा कि मैं फिजूल का किसी से भी लड़ाई नहीं करती हूँ और फिजूल का मैं किसी से बहसबाजी नहीं करना चाहती हूँ। यही एक कारण है दोस्तों कि मैं मेरे घर में ही रहती हूँ, इंसान मैं भी हूँ, 4 कदम चल के दूसरे के घर जाके मैं भी अपना मनोरंजन कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। कारण ये है कि मैं जानती हूँ कि लोग वही होते हैं, अगर लोग जान जाते हैं ना कि आपके तरफ से बहुत सारी कमियाँ है, लोग आपके साथ नहीं है, फिजिकली चैलेंज है, तो इंसान कोई भी हो आपको तकलीफ देने से पीछे नहीं हटेगा। वो एक समय में ऐसा बात बोल ही देगा, कर ही देगा कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। और इसलिए मैं अपना इंटरटेनमेंट नहीं करती हूँ, मैं जितना हो सकता है दोस्तों अपना बिजी रहती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मैं आराम वाले समय में एडिटिंग करती हूँ, और मैं ज़्यादातर समय इधर उधर भाग दौड़ आप सब देख रहे हैं, मैं क्लास चली जाती हूँ, मतलब जितना हो सके मैं खुद मेहनत करती हूँ, मैं फिजूल का 4 औरतों के बीच बैठ के गप नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गलत है, चाहे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी है, लोग करते हैं पचा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बोलने का मतलब ये है ना कि मैं किसी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ, लेकिन लोग आते हैं मेरे पास पचड़े करने के लिए। अभी मैं क्या बोल रही हूँ मैं आप सभी को बताती हूँ है ना, लेकिन सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिएगा है ना। सिर्फ ऐसी सिचुएशन से मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे कितनी औरतें हैं जिनके बच्चे बहुत सफर करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा, इसीलिए प्लीज़ आप लोग मदद किया करिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं है ना उसका आप लोग को बनना होगा, तभी लोगों में वही चीज रहेगा, अन्यथा मैं भी समाज से कट जाऊंगी, मैं किसी से भरोसा नहीं करूंगी और ना मुझे किसी से प्यार होगा, मैं पत्थर बन जाऊंगी। दोस्तों हुआ क्या ना कि जैसे कि देखते होंगे अधिकतर समय में मैं मेरे बच्चों को बाहर खेलने नहीं देती हूँ, शाम का समय रहता है मैं तभी भेजती हूँ, और भी अब जब घर इधर 4-5 हो गया, जब बच्चे बाहर खेलते हैं आवाज आता है तो बच्चों को तब मैं भेजती हूँ है ना। तो पहले भी एक बार मैंने बताया था कि उधर लड़ाई हो गया बच्चों से, फिर इधर क्या है कि लोगों को समझ में आने लगा कि मैं अपने पति से फिजूल कर नहीं लड़ती हूँ, मुझे तंग करता है, तब जा करके उन लोगों का शायद मेरे प्रति सोच बदल गया, तो वो अब अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं खेलने से, साथ में खेलते सब आपस के ही हैं, अभी कुछ दिनों से देख लूंगी इधर का सब कुछ माहौल ठीक है ना। तो दोस्तों इधर क्या है ना, अभी एक लड़की है, नाम मैं नहीं लूंगी, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि पहले आप लोग मेरी वीडियो में स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ आए थे तब आप सबने देखा होगा कि 6-7-8 लड़कियां मेरे घर में आया करती थी छोटी छोटी, जिनको मैं बहुत प्यार से अपने घर में रखती थी, थोड़ी देर के लिए जितना मर्जी गाना सुनती थी बैठती थी, मेरे पास जितना पैसा होता था मैं अपने पैसों से कुछ कुछ खिलाया करती थी। और क्यों खिलाती थी दोस्तों, ताकि ये बच्चे ही आगे चल के चलो साथ में रहेंगे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, हर कोई यही चाहता है, क्योंकि मेरे पास भी कोई पैसा फालतू का नहीं दोस्तों, बहुत मुश्किल से पैसे मेरे पास होते हैं, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोल के खिला के बोल रही हूँ, मैं बस आप लोग को याद दिला रही हूँ कि मैंने किया है और किसी उम्मीद में ही किया है, ठीक
ठीक है, कि मैं जहाँ पे हूँ वही मेरा संसार है, अब मेरा और दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इंसान कितना गलत करता है वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो उनमें से दो बच्चियाँ हैं जिनका घर वो साइड है ना, वही बच्चियाँ दोनों बहन है, सिस्टर है। एक दिन आज से एक सप्ताह पहले की बात है, मैं आंगन में अपनी काम बैठी हुई थी गार्डन में, और मेरी बेटी और बाबू बाहर खेल रहे थे उन बच्चों के साथ में। तो वो लोग पीटो खेलते हैं, और जो बॉल होता है ना उससे, तो सारे बच्चे ना, मतलब वो लड़की 13 के आसपास होगी, टीनेजर होगी, है ना, और दो बच्चियां हैं। तो ये बगल वाली भाभी है जो सगुन के साथ उसके क्लास में है, दोनों के दोनों, ठीक है, एक सीनियर है शायद और एक इसी के क्लास में है, कि तीनों एक ही क्लास में, हमको नहीं पता है मतलब, लेकिन हम उम्र ही है। लेकिन सगुन का थोड़ा सा क्या है कि दुबली पतली है, तो वो लोग बड़ी लगती है, हम एज वाइज नहीं पता हमको क्या है। तो ये बच्ची को उन लोग आपस में नहीं खिलाते हैं, ऐसे अलग करना होता है ना वैसे अलग किए हुए रहते हैं। मैं कई बार देखी हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती कि बच्चों बच्चों का बात है, मैं कैसे जबरदस्ती बोलूँ कि इनको भी खिलाओ। तो मैं इनको ही बोलती हूँ कि आपस में इधर ही खेलो, बाप तुम लोग टॉयज ले जाओ और भाई और बहन खेलो। तो ये लोग ना उनके बीच में घुसते नहीं है, बस देखते हैं। अब खेल रहे पीटो तो इनको भी अच्छा लगता था, देखते हैं। अब उनमें से एक लड़की क्या है ना दोस्तों, इतना जुर्म मार दी इसके पीठ में फालतू का, ना तो उसका ये चीज छुई हुई है, ना खेली हुई है, ना कुछ की हुई है। और एक दो बार और इसको ना पिंच करती है, मतलब कि हम लोग आपस में पति पत्नी लड़ाई करते हैं चाहे और कुछ बात होता है, तो वो बोल के इस छोटी सी बच्ची को परेशान करते हैं। अब ये बच्ची का क्या हालात है, तो ये बच्ची ही जानती है, तुम तो नहीं जानती हो, क्योंकि तुम्हारी मदर तो चली जाती है रेजा कूली का काम करने। अब हम किस हालत में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे, क्या कर रहे, सब मेरा बच्चा जानता है, तुम नहीं, और तुमको जानने का जरूरत भी नहीं है। वही बच्ची जिनको मैंने कई साल पहले, मतलब 2 साल पहले अपने घर में जगह देती थी, खिलाती थी, वही बच्ची इसको मारती है, टॉन्ट करती है। तो सगुन ने वो कई बार आके बोली, क्योंकि ये ना लड़ने वड़ने वाला बच्चों में से नहीं है कि जवाब दे देती है, चाहे तो किसी को पिंच करती है। आप लोग देख के भी अंदाजा लगा सकते कि बच्ची उतना नहीं बोलती है, ठीक है, क्योंकि जब क्योंकि ये ऐसे माहौल में भी रहती है ना, लड़ाई झगड़ा वाला में, लेकिन ये आता सब है, हम ये नहीं कह रहे नहीं आता, बट कभी इस्तेमाल नहीं करेगी, कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि इसको मालूम है ये चीज़ गलत है, किसी को सामने से कभी कुछ बोलती भी नहीं है। और सब बड़े बड़े इसको पिंच करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। अब तो हम मना किए, देखो सगुन ये तुम्हारा मैटर है, हम कहोगे तो हम लड़ देंगे सबसे, और तुमको खेलना नहीं है फिर दोबारा। तो बोली नहीं मम्मा छोड़ दीजिए खेलेंगे। अब उस दिन मार दी है ना, रोते रोते आई ऐसा ऐसा एकदम पीठ में मार दी दोस्तों, बहुत जोर से, ठीक है। अब बेचारी ऐसे ऐसे, मतलब जो होता है ना अचानक मारना पीठ में कोई कमजोर व्यक्ति को, तो कैसा महसूस होगा, 13 एज है उसका, और उसका हाथ मतलब कठोर, जिसको कहते हैं ना वैसे पत्थर से मारना होता, वैसे रोते रोते आई, हमको बहुत बुरा लगा, बहुत जोर से रोई। हम बाहर निकले और हम उसको सुनाना शुरू करें, बहुत सुनाए उसको, क्योंकि हम बहुत पहले भी सगुन उनको बोल चुकी थी कि ऐसे करती है वैसे करती है, तो हम इग्नोर कर रहे थे कि जाने तो बच्चा बच्चा है। अभी इस मोहल्ले में यहाँ हमारे जहाँ पे गाड़ी रहता है ना दोस्तों, वहां पे खेलने तक के लिए मना कर देती है, ठीक है। तो उस दिन खूबसूरत सारा सुनाए, लेकिन अपने दरवाजे से सुनाए, लेकिन उस लड़की का कोई रेस्पॉन्स नहीं कि आंटी ठीक है आपसे नहीं करेंगे, सॉरी गलती हो गया, नहीं मारेंगे। हम उनको समझाए कि मारी ना तो ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद आज हम अभी आंगन में बैठे थे, ये लोग पढ़ाई उड़ाई करके खेलने चले गए। अब जैसे गए, अब सगुन हम बर्तन धोने के लिए गए बाथरूम में, 5 बज रहा होगा, बर्तन धोने गए, पता चला क्या बोली, मार दी पीठ में, आई बोली कि मम्मा मार दी ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर दी, और उसमें भी रोते हुए आई। हम उसको समझा दिए कि ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, मार दिए, हम आते हैं, चुप रहो। उसकी माँ को भी सुना दी, बोला थे ना, क्या बोला उसकी माँ को, समझदार बच्ची है, एकदम नॉनसेंस बच्ची है एकदम से। उस दिन इसके सामने वो मार दी, उस दिन उल्टा पलटा बोल देती है, और तो हम कहे पूछी पीओ मम्मी अगर 10 दिन पहले समझे ली की ना, अरे ना खेल तरी ना हो तो तुम मत। उसकी बहनिया क्या करेगी, अपने तो लग लगा ले घूमने चलती है दुनिया जहां से, उसको मतलब है, बड़ी बहन है तो बैठा के पढ़ाती, छोड़ देती है मतलब रखेंगे, तो मेरे मतलब रखेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा किसी के दरवाजे पे नहीं गया, वो अपने दरवाजे पे खेल रहा है जहाँ पे उसका राइट अधिकार है। मेरा बच्चा पहल नहीं किया है, किसी को मारा नहीं है, मारा हमको बोला, कुछ उल्टा सीधा बोला हमको, बोला हम जिंदा नहीं दुनिया में, तीसरा चौथा बार हो गया है ना।
तीसरा चौथा बार, आप बोले किनको अच्छा लगेगा, जीते जी, तो वही हम इसको फोन किए, काफी सारा सुनाए वो लड़की को, तब भी जानते हैं एक तो हम सुना रहे, सोचिए बर्तन धोते हुए हम गए बर्तन, अब हम बताइए मेरी स्थिति कैसी है, बताइए आप लोग सब जानते हैं अब कितनी परेशानी है, बर्तन छोड़ के हम गए क्योंकि फिर वापस, अब वापस जानते हैं बाबू आया रोते रोते, अब पता चला बाबू को भी सेम लड़की धकेल दी, ठीक है, और धकेल बाबू रोते हुए आया, वो गलती से तो नहीं गिरा, धक्का लगा, बोल रहा स्पष्ट है ना, चलिए ठीक है हम इस बच्चे को जाने भी देते हैं कि चलो छोटा बच्चा है कुछ बोला होगा, छोने से भी ज्यादा बोल दिया, लेकिन उस बच्ची को तीन चार बार तुम मारी हो, उसका बोलो, उसका हमको जवाब दो, ये बच्चे को छोड़ो जाने दो, ये खुद से गिर गया, ये अपने आप को चुप, ये अपने आप को धक्का मार लिया, हम ये भी मान लेंगे, तुम वो बच्ची को कैसे मार देती हो ये बताओ हमको जरा, हम बाहर निकले बर्तन छोड़ के, दोस्तों बोले नहीं सबसे पहले हम ये मैटर क्लोज कर लेंगे, क्योंकि तीन बार हो गया, अब सोचिए किसी दिन हम नहीं रहेंगे, चाहे मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या मेरे बच्चे अपने घर के बाहर भी सेफ नहीं है, कहाँ सेफ रहेंगे, नहीं हमारा जो स्थिति है तो क्या हम लेके बैठे हैं ऐसा, नहीं हर कोई अपने अपने बच्चों को तो ये सीख देगा ना, जितना तुम्हारा अधिकार है उतना सबका अधिकार है, तुम कैसे किसी को कमजोर जान के मार दोगे, तुमको यही सीख दिया गया है कि उसका बाप साथ नहीं देता है, उसका दुनियादारी नहीं है, माँ विकलांग है तो चलो मार के आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं ना दोस्तों अपने पे मेरे पे आएगा ना हम बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे पे अगर कोई इतना से खरोच आएगा ना हम उसके घर घुस के उसको मारेंगे, और खाली मारेंगे नहीं, मारने का मतलब आप लोग खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि जितना कष्ट से हम बच्चे को एक एक दिन बड़ा कर रहे ना कि हम एक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाहर जाके हम इतना चिल्लाए हैं, इतना उसको गाली दिए लड़की को और सारी बातें बोले, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं बोली कि आंटी सॉरी गलती होगी अब से नहीं होगा, इतनी अल्हड़ है उसका एज अ सो कॉल्ड गार्जियन है, नाम नहीं लेंगे वो लड़का का, लेकिन हम बराबर उसके घर से लेन देन करते हैं, उसको हम बोले उसकी बहन लगती है कजन सिस्टर है, हम बोले कि चलो ये गार्जियन है तो यही पे हम समझा देते भाई, हम बोले देखिए ऐसे से बात है, अब उसका सोचिए बेतुका जवाब, जैसे पढ़े अनपढ़ लोग बोलते हैं ना बच्चा बच्चा में है तो क्या करिएगा, बताइए बच्चा बच्चा में, ये 7 ईयर्स का अभी जस्ट हुई है, वो 3 ईयर्स एंड हाफ है और वो टीनेज है 13 ईयर्स, वो बच्ची है, बताइए उसको इतना सेंस नहीं है ना, वो ये बच्ची तुम्हारे मामले में घुसी है ना, तुमको खेलने बोल रही है ना, तुमको कुछ कहने बोल रही है, साइड में खड़ी है, तुम बेफुजूल उसको मार दे रही हो, धक्का लगा दे रही हो, मतलब ऐसे तो दादागिरी होता है ना दोस्तों, जिधर देखता है कमजोर लोग उधर ही लोग ये करते हैं, जरा जिसका माँ बाप साथ है उसको खाली उसका गलती में भी लोग उसको बोल के दिखाए ना तब हम मानेंगे, तो हम वही पे थे गए, पहले तो हम आधा घंटा बैठे स्कूटी में, फिर जम के बच्चों को खिलाए खेलो, वो लोग भाग गई, उसकी बहन आई, वो भी उसकी बड़ी बहन है, उसको भी बोले तो ये बात नहीं बोली कि आंटी हम जाके मम्मी को बोलेंगे और समझाएंगे उसको, नहीं बच्चा बच्चा में है, मतलब इतने लोग बेशरम होते हैं, तो बच्चा बच्चा में तो मैं अपने बच्चे को ये सिखा देते हैं कि बेटा जब तोरा कोई मारेगा तो ईटा पत्थर लेना सीधे कपार ऊपर फाड़ देना, कपार मतलब ये फोरहेड ओर है, एकदम अंदरा लंगड़ा लूला कर देना, दांत उत है काट कूट के रख देना, सिखाएंगे तो सही रहेगा, बताइए आप ही क्या करेगा इंसान, अब हम हर जगह तो उसके साथ नहीं जा सकते ना उसके बचाव के लिए, और लोग ऐसे तो जीने नहीं देंगे, तो कुछ तो करना होगा ना अपने सेफ्टी के लिए, ऐसा सोसाइटी होता है, और सोसाइटी में भी कुछ लोग थे चाहते ना, तो हम वहां पे नहीं है तो वहां पे बोल सकते हैं कि तुम इस बच्चे को क्यों मार रही हो, तब तो अगला का हिम्मत टूटेगा और बोलेगा बच्चा बच्चा कम होता है तो उसका तो मनोबल आप बढ़ा रहे ना, इस तरह से नहीं चलेगा दोस्तों, हम तो अपने बच्चों के साथ ये सब नहीं देख सकते, भले हम आप लोग भी अगर गलत बोलिएगा ना जी भर के बोलिए, नको रे बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको जितना गुस्सा होता है ना बच्चों पर जब कुछ आता है कि हम क्या ही बोले, हम रोते भले हैं लेकिन इस सब मामलों में ना मेरे अंदर इतना ताकत आ जाता है ना कि सामने वाला बंदा कितनों पहलवान भी करो चित कर देंगे, हम फाड़ देंगे हम सीधे बीच में से, हम स्कूटी ऑन किए हम जा ही रहे थे, हम जाने से पहले सोचे एक बार इसको कॉल कर लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे बच्चों का बाप मर गया है चाहे मेरा पति मर गया, आपस की लड़ाई कितनी भी है पर बच्चों का बाप तो जिंदा है ना, एक बार उसको बोल लेते कि क्या राय है, उसको बोले कि हम जाए या तुम आके बात करोगे उसकी मदर से, इसने कहा तुम रहने दो क्योंकि उधर थोड़ा दिक्कत होगा हम आएंगे हम बात कर लेंगे, हम बोले ठीक है जाओ क्योंकि हम जाएंगे तो हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमको दिक्कत होगा, एक तो मेरे बच्चों को मारेगा मारा है वो दिक्कत है, ऊपर से हम अगर हाथ बल पैर के बल पे इतना दूर से उधर घूम के उसके घर तरफ जाएंगे तो डबल है ना, फिर तमाशा करेंगे सिर्फ तमाशा है ना, और हम जैसे लोग कर भी क्या सकते हैं, शारीरिक अक्षम आप सबके नजरों में एक कमजोर व्यक्ति जिसको सब लोग दबाना कुचलना चाहता है,
हमको दबा लिया कुचल लिया, हम अपने बच्चों के साथ ही थोड़ी ना होने देंगे। मेरा बच्चा हर वो चीज़ करेगा जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के बच्चे करते हैं, हम भी नॉर्मल है, मेरे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। आप सब शेयर करो, क्योंकि सिंगल पेरेंट जब कोई होते हैं ना, बहुत सारी समस्याएं होती है दोस्तों, इतनी सी नहीं होती है। और आप लोग मेरा फॉल्ट बताओ, कहीं भी गिनाओ, पहले के वीडियो देख लो, किन बच्चों के साथ मेरा कितना अच्छा बिहेवियर रहा है, कहीं कुछ भी नहीं, अपना हिस्सा से बढ़ के इनको खिलाते थे हम गिनवा नहीं रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज ही देना चाहते हैं, लोग नहीं लेते, हम क्या करें। तो अभी आया उधर से, तो वही समझाया, उसके घर गया, उसकी माँ को कंप्लेन किया, उसको बोल दिया, ये हो गया। अब अगर आपके सामने भी बात है, अगर आप तीसरी बार हो चुका है, अब चौथी बार अगर शुरू होगा ना, तो मैं तो बता देती हूँ मैं क्या करूंगी, है ना, बताऊंगी ना, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, करती हूँ। अपने बच्चों के खातिर इतना तो होना ही पड़ेगा ना दोस्तों, अच्छा बन के क्या करेंगे, कोई जीने थोड़ी ना दे रहा है।